टाइम अप, टाइम अप सर, टाइम अप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नाउ आज के इस वीडियो में जीएसके डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के डे 13 के क्वेश्चन एंड उसके आंसर को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। इससे पहले की जो भी वीडियोस हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किए जा चुके हैं, आप उन्हें वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी डेली क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं उनके मॉडल आंसर के पीडीएफ्स आपको ओनली आईएएस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ग्रुप पर मिल जाएंगे। आप उन्हें वहां जाकर हिंदी या फिर इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आज का जो मेन टॉपिक है उसे समझते हैं। द टॉपिक सेज अर्बनाइजेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। तो इसी पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड में एक क्वेश्चन फ्रेम करके आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया था। ऑलराइट, अब क्वेश्चन के अप्रोच को समझने से पहले सबसे पहले जैसा हम हमेशा करते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। नाउ द क्वेश्चन सेज दैट घेटोस आर नॉट प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड बट रादर द प्रोडक्ट ऑफ इम्बैलेंस्ड एंड एंट्रेंच्ड अर्बन पॉलिसीज इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी ओनरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन एंड अपकीप एंड अदर सोशियो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। एक्सप्लेन, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने को बोला गया है। मतलब जो भी ऊपर स्टेटमेंट दिया गया है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, उसके ऊपर आपको लाइट थ्रो करना है, मतलब सिंपल वर्ड्स में इसको इल्यूसिडेट करना है। ठीक है, तो ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, आपको 150 वर्ड्स के अंदर लिखना है। बट जैसा आप जानते हैं जब हम डिस्कशन करते हैं सो वी ट्राई टू गिव यू मल्टीपल डायमेंशन, मल्टीपल पॉइंट्स, ताकि उनमें से कुछ पॉइंट्स आप अपने आंसर के अंदर लिख सके। ठीक है, आप अपने आंसर के अंदर उन चीजों को मेंशन कर सके। ऑलराइट, अब देखो, आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन इज काइंड ऑफ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो घेटोज होते हैं, घेटोज जो होते हैं कोई वो प्रॉब्लम नहीं है जिसे हमें सॉल्व करना है। जो घेटोज है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है, मतलब एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि इट इज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। सो घेटोज आर अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। सो रिजल्ट ऑफ व्हाट? इट इज अ रिजल्ट ऑफ इम्बैलेंस्ड अर्बन पॉलिसीज, एंट्रेंच्ड अर्बन पॉलिसीज। ठीक है, प्रॉपर्टी ओनरशिप के अंदर जो इम्बैलेंस है उसके कारण, फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन है उसके कारण, जो भी ड्रॉबैक्स है उसके कारण, और बहुत सारी अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हैं, इन सब के कारण काइंड ऑफ घेटोस फॉर्म होता है, घेटोस बनते हैं। सो घेटोस का बनना एक्चुअली एक प्रॉब्लम नहीं है, घेटोस का बनना एक्चुअली एक रिजल्ट है बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स का। राइट, सो आई होप आप समझ गए, घेटोस डायरेक्टली अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है ऐसा क्वेश्चन का कहना है। द क्वेश्चन सेज कि अगर आपको घेटोस को सॉल्व करना है, घेटोस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो आपको डायरेक्टली आप घेटोस के ऊपर वो नहीं कर सकते, मतलब इनके ऊपर आप अपना जो ध्यान है वो कंसंट्रेट नहीं कर सकते। रादर जिन जिन चीजों के कारण, जिस जिस प्रॉब्लम्स के कारण घेटोस की प्रॉब्लम ओरिजिनेट हुई है, उन सारे के सारे प्रॉब्लम्स को, जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको सॉल्व करना होगा, देन ऑटोमेटिकली जो घेटोइजेशन का प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप इस पर्टिकुलर चीज को समझ गए। नाउ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले ये समझ लें कि घेटोस होते क्या है। राइट, व्हाट इज अ घेटो? आफ्टर ऑल हम घेटो बोलते हैं, हम घेटोइजेशन बोलते हैं, एग्जैक्टली इनके मीनिंग्स क्या है। राइट, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज अ घेटो। सो अगर आप घेटो की बात करें तो देखो घेटो जो है बेसिकली एक सिटी का पार्ट है। राइट, पहले मैं आपको छोटा सा डायग्राम से समझाता हूँ। जस्ट सपोज दिस इज अ सिटी, ठीक है, मान लेते हैं दैट सिटी के अंदर जो आप सर्कल देख रहे हो दिस इज द कोर ऑफ द सिटी, कोर। ठीक है, और जो आसपास की चीजें बच गई वो क्या होगी फिर? दे आर कॉल्ड एज पेरिफेरीज। पेरिफेरीज मतलब सिटी का जो आउटर पार्ट्स होता है ना, आउटर पार्ट्स, दे आर कॉल्ड एज आउटर पार्ट्स या फिर सिंपल वर्ड्स में पेरिफेरीज। ठीक है, पेरिफेरीज। और अब देखो जो कोर ऑफ द सिटी होता है वो एक ऐसा प्लेस है जिसके अंदर सिटी के सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन, ठीक है, कंजम्पशन, ये सारी के सारी चीजें जो होते हैं वो हमेशा सिटी के कोर पार्ट के अंदर होते हैं। और जो सिटी के आउटर स्कर्ट्स होते हैं वहां पे वो लोग रहते हैं या फिर वहां पर वो सब चीजें होती हैं जो कि सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट, सो ये डिफरेंस है सिटी के कोर पार्ट और पेरिफेरी पार्ट के अंदर। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि हम किस तरीके से सिटी को घेटोइजेशन से लिंक कर सकते हैं। तो देखो सिटी का वो पार्ट, हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो सिटी का आउटर पार्ट जो है, जो आउटर पार्ट है ये वाला पार्ट, ठीक है, आउटर पार्ट जहां पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी रहती है, कम्युनिटी सिंपल वर्ड्स में पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, मतलब कुछ लोग वहां पर रहते हैं और वो ऐसे लोग हैं जो वहां पर खुशी से नहीं रहते, रादर उनको फोर्स किया गया है रहने को। अब फोर्स कौन कौन से फैक्टर्स के थ्रू किया जा सकता है? हो सकता है कि ये जो फोर्स किया गया है वो पॉलिटिकल फैक्टर्स के थ्रू किया हो सकता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण हो सकता है, सोसाइटल फैक्टर के कारण, राइट, हो सकता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण हो सकता है, लीगल फैक्टर के कारण, किसी भी फैक्टर के कारण अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये फोर्स किया जा रहा है, मतलब कि सिंपल वर्ड्स में देखें तो उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं सिटी के अंदर रहने की और उन्हें फोर्सफुली सिटी के बाहर रहना पड़ रहा है, तो उन्हें कहते हैं कि दे हैव एक्चुअली बीन घेटोइजेशन हुआ है। ठीक है, घेटोइजेशन हुआ है।
सिंपल वर्ड्स में समझिए, तो देखिए गेटोइशन को आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी माइनॉरिटी ग्रुप, ठीक है, माइनॉरिटी ग्रुप, बिकॉज देखो जो मेजर ग्रुप है वो तो ऑलरेडी सिटीज के अंदर रहेंगे, राइट right? तो जो माइनर ग्रुप है, जो माइनॉरिटीज का ग्रुप है, वो लोग इफ बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल या लीगल प्रेशर्स, किसी तरह के प्रेशर के कारण, इफ दे आर फोर्स टू लिव आउटसाइड द सिटीज, सिंपल वर्ड्स में सिटी के एक ऐसे पार्ट में जहां पे सारे डेवलपमेंटल वो नहीं है, मतलब डेवलपमेंट की जो चीजें हैं वो यहां पर नहीं है, राइट, प्रॉपर फैसिलिटीज मतलब एक्सेसिबल नहीं है, तो इन सब चीजों के अंदर जो लोग रहते हैं, माना जाता है कि इसी पर्टिकुलर चीज को घेटो कहते हैं, ठीक है। अब आप घेटो को यहां पर स्लम्स के साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो एवरी सिंगल स्लम इज नॉट अ घेटो, पहली बात तो, राइट, बट हर एक जो घेटोज है वो काइंड ऑफ आप उसको स्लम कह सकते हो, कि जो एक घेटो फॉर्म हो चुका है, इसका मतलब क्या है, एक बहुत ही कम जगह पर, एक बहुत ही इनक्लोज स्पेस पे काफी ज्यादा लोग रह रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर ह्यूमन कंडीशंस नहीं है रहने के लिए, रिसोर्सेज प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, प्रॉपर लैंड नहीं है, प्रॉपर वाटर नहीं है, प्रॉपर फूड नहीं है, राइट, ये सब चीज नहीं है, सो दे हैव एक्चुअली बीन फोर्स्ड बाय वॉट, सोशल प्रेशर, राइट, जो सोशल प्रेशर के कारण भी जो लोग काइंड ऑफ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बाहर रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऐसे पार्ट ऑफ द सिटी के अंदर रह रहे हैं जहां उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, देन दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज घेटोज। अब देखिए जो घेटोज है, माना जाता है कि जो बाकी सिटीज है, सिटीज से सबसे ज्यादा जो इंपॉवरिश्ड होते हैं, सबसे ज्यादा जो गरीब होते हैं, सबसे ज्यादा सबसे कम जिनके पास फैसिलिटीज होती हैं, दे आर एक्चुअली घेटोज, ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि इनका काइंड ऑफ घेटोइजेशन हुआ है, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए कि एग्जैक्टली घेटोज क्या है और घेटोइजेशन क्या है। सो फिर से एक बार अगर हम इसको समराइज करें, तो घेटो का मतलब यह है कि अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी ग्रुप को, अगर हम सिटी के किसी ऐसे पार्ट में रहने पे फोर्स कर दें, फोर्स इन द सेंस, देखो फोर्स का मतलब ये नहीं है कि उनको धकेल के वहां पर रख के आ रहे हैं, फोर्स मतलब या तो सोसाइटी के कारण, मतलब कि मान लो माइनॉरिटी ग्रुप है और मेजॉरिटी ग्रुप उनको अपने साथ रहने नहीं दे रही है, तो भी वो माइनॉरिटी ग्रुप काइंड ऑफ बाहर रहना पड़ेगा उनको, राइट। पहले जैसे अनटचेबल्स होते थे, अनटचेबल्स क्या होते थे, उनको सिटीज के अंदर रहने की परमिशन नहीं थी, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द सिटी, राइट, बिकॉज सबको लगता था कि दैट दे आर इम्प्योर, तो उनको सिटीज के बाहर रहना पड़ता था, राइट, जो आउटस्कर्ट्स थे, पेरिफेरीज हैं, तो दे वर काइंड ऑफ लिविंग इन अ घेटो, राइट। सिमिलरली इकोनॉमिक प्रेशर, मान लो उनके पास पैसे ही नहीं है, पैसे नहीं है तो वो सिटी के अंदर अपने आप को अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छा घर नहीं खरीद सकते, अच्छा यू नो काइंड ऑफ वे ऑफ लिविंग जो है उसको मेंटेन नहीं कर सकते, सो दे आर इकोनॉमिकली फोर्स्ड काइंड ऑफ, है ना, यहाँ पर उनके पास इकोनॉमिक प्रेशर है जिसके कारण उनको सिटी के बाहर स्लम टाइप के कंडीशन के अंदर रहना पड़ रहा है। फिर पॉलिटिकल प्रेशर मान सकते हैं, जहां पर एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी को फोर्स किया जाता है बाहर रहने के लिए। पॉलिटिकल प्रेशर का आप एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से, जहां पर आप एक टिग्रिस का नाम आपने सुना होगा, राइट, एक टिग्रे कम्युनिटी है जो कि एक्चुअली इथोपिया के अंदर है, राइट। इथोपिया के अंदर क्या हुआ है, जो इथोपिया की जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उन्होंने टिग्रेस को एक्चुअली अपनी कंट्री के मेन पार्ट से बाहर निकाल दिया है, तो टिग्रेस को जो है अपनी कंट्री के जो बाहर पेरिफेरीज वाले पार्ट्स हैं, जो आउटस्कर्ट्स हैं, वहां पर रहना पड़ रहा है, राइट। तो ये भी एक काइंड का एग्जाम्पल है कि पॉलिटिकल प्रेशर किस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को फोर्स कर सकता है यू नो मतलब घेटोज में जाने के लिए या फिर घेटो टाइप सिचुएशन में जाने के लिए। आई होप आप समझ गए कि एग्जैक्टली घेटोज क्या है और घेटो का जो प्रोसेस है किस तरीके से किन किन फैक्टर से बन सकता है। अब देखिए अब हमें क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट को जो हमें डील करना है, तो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट बोलता है कि घेटोज जो है वो अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, रादर एक रिजल्ट है बाकी सारी प्रॉब्लम्स का, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली कॉजेज क्या क्या है, क्या क्या वो कॉजेज हैं, क्या क्या वो रीजंस हैं जिसके कारण घेटोज टाइप कंडीशंस फॉर्म होते हैं या फिर घेटोज का जो सिचुएशन है वो फॉर्म होता है। तो सबसे बड़ा और सबसे बड़ी चीज जो है वो है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, ठीक है, अर्बनाइजेशन। तो देखो अर्बनाइजेशन लगातार बढ़ रहा है हम जानते हैं, बट वो प्रॉपरली प्लान्ड नहीं है। देखिए क्या है, आप जानते हैं कि काफी सारा जो माइग्रेशन है वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ आ रहा है, ठीक, काफी सारा माइग्रेशन आ रहा है। बहुत सारे लोग जो कि पहले रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर वगैरह का काम किया करते थे, वो लोग माइग्रेट होकर सिटीज में आ रहे हैं फॉर सर्च ऑफ अ बेटर एम्प्लॉयमेंट, बेटर जॉब, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर वेजेस, बेटर लेबर, राइट, इन सब चीजों के लिए लोग अपना अपना रूरल एरियाज छोड़ करके वो काइंड ऑफ अर्बन एरियाज में आ रहे हैं। अब जब अर्बन एरियाज में आ रहा है तो वो अपने आप को वहीं पर सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो वहीं पर रह सके, राइट। देखो अगर वो सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक चीज समझो, एक जो सिटी होती है ना, उस सिटी के पास लैंड जो होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है, जो रिसोर्सेस होते हैं उनके पास वो भी लिमिटेड होते हैं, जो वाटर रिसोर्स मान लो, फूड रिसोर्स मान लो, सब कुछ काइंड ऑफ लिमिटेड होता है, ठीक है। अब जो ये जितने भी रिसोर्सेस हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल को ही काइंड ऑफ यू नो फीड कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे माइग्रेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे माइग्रेशन इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे लोग अर्बन एरियाज के अंदर सेटल होने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे इस पर्टिकुलर रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर पड़ना स्टार्ट होगा, बीट लैंड रिसोर्स, बीट वाटर रिसोर्स, फूड रिसोर्स, किसी भी तरीके का रिसोर्स हो उसके ऊपर काइंड ऑफ प्रेशर आएगा। अब जब प्रेशर आएगा तो देखो अगर हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में बात करें,
मान लेते हैं कि ये एक पर्टिकुलर सिटी है, सिटी का सबसे पहले जो कोर एरिया है उसके अंदर लोग रहते हैं, उसके आउटस्कर्ट्स में मान लो यहाँ पर भी लोग रहने लगे, फिर मान लो कि डेवलप और ज्यादा माइग्रेशन हुआ फिर यहाँ पर भी लोग रहने पड़े, राइट। धीरे धीरे जो पूरा का पूरा सिटी है इंक्लूडिंग जो ये पेरिफेरीज है, जो ये ऐसे कंडीशन थे जहां पर एक्चुअली कोई डेवलपमेंट नहीं है, बिकॉज देखो आप जानते हो जितना भी डेवलपमेंट होता है सिटीज का वो हमेशा कोर एरियाज के अंदर होता है, राइट। जितने भी फैक्ट्रीज आपको मिलेंगे, जितने भी आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगे, वो सब कोर एरियाज के अंदर मिलेंगे। सो पेरिफेरी वाला जो एरिया है जहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई फैसिलिटीज प्रोवाइडेड नहीं है, वहां पर भी धीरे धीरे लोगों का जो यू नो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होने लगता है। तो उसके कारण क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। पॉपुलेशन की डेंसिटी इंक्रीज होगी तो लोग यहां पर फोर्स हो जाएंगे काइंड ऑफ बाहर की तरफ रहने के लिए, राइट। तो यहां पर कौन सा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यहां पर इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। कैसे? बिकॉज उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो आके अंदर की तरफ जो इतने लैंड महंगे हो चुके हैं, जो इतने घर महंगे हैं, उसको या तो रेंट कर सके या फिर खरीद सके। जब इनके पास पैसे नहीं है तो इकोनॉमिक प्रेशर के कारण उनको सिटी के आउटस्कर्ट्स में रहना पड़ रहा है, राइट। और सेकंड चीज क्या है, ये एक अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है। किस तरीके से? देखो बिकॉज लगातार ही अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट कोई प्लानिंग नहीं हुई है, लगातार ही लोग आ रहे हैं, अपने आप ही वो प्लेसेस चूज करते हैं और वहां पर रहना स्टार्ट कर देते हैं। गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, उन लोगों ने किसी एक प्रॉपर तरीके की प्लानिंग नहीं की थी कि अगर हमारे सिटी के अंदर और लोग आ गए तो हम उन्हें एग्जैक्टली किस तरीके से रखेंगे, इसकी कोई प्लानिंग नहीं होती। और ये अनप्लानिंग होने के कारण अर्बनाइजेशन के अंदर घेटों का जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जहां पर कुछ ही एरिया के अंदर काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट लोगों को रहना पड़ रहा है, राइट। सो आई होप आप ये समझ गए। अब देखो, अब हम बात करते हैं जो सेकंड फैक्टर हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि एग्जैक्टली घेटों का प्रॉब्लम क्या है, कॉज क्या है। सेकंड फैक्टर दिया हुआ है प्रॉपर्टी ओनरशिप। तो इसको हम समझते हैं। देखो प्रॉपर्टी ओनरशिप के कारण आफ्टर ऑल किस तरीके से घेटोइजेशन इंक्रीज हुआ है, समझने वाली बात यह है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक शहर है, एक सिटी है, और सिटी के एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, या फिर ठीक है, या फिर आप ये मान लो कि जो पूरा का पूरा सिटी है उसके अंदर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की डोमिनेशन है, ठीक है। मान लेते हैं कि इस पूरे एरिया के अंदर जस्ट सपोज कि हिंदू जो कम्युनिटी है वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। अब जब हिंदू लोग कम्युनिटी यहाँ पे रह रहे हैं तो मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर सिटी में माइग्रेट करके कुछ मुस्लिम फैमिलीज आती हैं और मुस्लिम फैमिलीज यहाँ पर कोर यू नो एरियाज में रहना चाहती हैं। जस्ट सपोज वो इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग है, ये मुस्लिम फैमिलीज जो है काफी स्ट्रांग है, उनके पास पैसे हैं कि वो लोग इस एरिया के अंदर अपने घर को अफोर्ड कर सकते हैं, रेंट ले सकते हैं, जो भी चीज करना चाहे वो कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज, इतने सारे हिंदू कम्युनिटी लोग होने के कारण जो यहाँ पर लोग हो सकते हैं कि यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी है वो किसी मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ पर अलाउ ना करे यहाँ पर रहने के लिए, राइट, अपने मेन सिटीज में रहने के लिए अलाउ ना करे। बट इन मुस्लिम्स को, मतलब ये जो फैमिलीज आई हैं, इनको अगर यहाँ पर काम मिला हुआ है इस पर्टिकुलर सिटी के अंदर, सो दे विल एक्चुअली ट्राई टू लिव इन दिस पर्टिकुलर सिटी ओनली। सो वंस अगेन दे आर फोर्स्ड टू एक्चुअली लिव इन द आउटस्कर्ट्स, ठीक है, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के बाहर, जहां पर हिंदू कम्युनिटी रह रही है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के बाहर उनको रहने के लिए फोर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर सोशल प्रेशर लग रहा है, ठीक है। याद होगा आपको, हमने ऊपर बात की थी, इकोनॉमिक प्रेशर लगता है, सोशल प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, हर टाइप के डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स लगते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो सोशल प्रेशर का जो एग्जांपल था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखो, थर्ड जो पॉइंट दिया गया था वो दिया गया था जो क्वेश्चन के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजंस एंड अपकीप, राइट, अपकीप। उसका मतलब क्या है, सिंपल शब्दों में कहें कि एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रोविजंस है वो काफी सही से होने चाहिए और उसको मेंटेन भी करना है सही से, ताकि लोग उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। सो आफ्टर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोविजंस है वो किस तरीके से घेटों को यू नो इंक्रीज कर सकते हैं, आफ्टर ऑल घेटोइजेशन को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल है अहमदाबाद का। जो अहमदाबाद की जो आउटरस्कर्ट्स है, जो बाहर की जो पेरिफेरीज है, जहाँ पे बहुत सारे लोग स्लम्स के अंदर रहते हैं, सिंपल वर्ड्स में जो घेटो टाइप सिचुएशंस के अंदर रहते हैं, उन पर्टिकुलर लोगों के लिए एक बस कनेक्टिविटी भी नहीं है जो कि उनको स्लम एरिया से काइंड ऑफ मेन सिटी के साथ कनेक्ट कर सके। मतलब अहमदाबाद इतनी बड़ी शहर होने के बावजूद यहाँ पर एक बस कनेक्टिविटी नहीं है जो कि इन स्लम डवेलर्स को मेन सिटी के साथ कनेक्ट कर सके। तो इसके कारण क्या होता है, जो भी ये लोग हैं वो लोग देखो रहते तो ऑलरेडी एक काइंड ऑफ खराब कंडीशन के अंदर है, घेट हाउस कभी भी अच्छा कंडीशन नहीं हो सकता, राइट, ऑलरेडी एक खराब कंडीशन के अंदर रह रहे हैं, और अगर वो मेन सिटीज के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो ऑब्वियसली उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफी ज्यादा डिक्लाइन है, राइट। इसी चीज को बोलते हैं कि अलग अलग तरीके के प्रोविजंस, जैसे कि रोड कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, देन यू नो फूड सप्लाई, इन सब चीजों का एक प्रोविजन जो है वो घेटो के आसपास के एरियाज के अंदर और स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजंस ना होने के कारण, स्ट्रॉन्गर ना होने के कारण भी ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटीज हैं इनके पास प्रॉपर रोड नहीं है, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं है, राइट, प्रॉपर वाटर फूड का सप्लाई नहीं है। तो इन सब के कारण भी काइंड ऑफ ये इम्पॉवरिज्ड है, उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, सोसाइटल सेंस में भी, इकोनॉमिक सेंस में भी, पॉलिटिकल सेंस में भी, एंड ऑलमोस्ट एवरी सिंगल सेंस में। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, घेटोस को काइंड ऑफ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं स्लम्स के साथ, ठीक है, मतलब घेटोस को हम स्लम्स के साथ काइंड ऑफ एक रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो
अगर आपको घेटोस को स्लम्स के साथ क्रिएट करना है या फिर मतलब कंपेयर करना है, तो आप ये बोल सकते हो कि लार्ज स्केल माइग्रेशन के कारण, जैसे हमने बात की थी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो सिटीज के अंदर अपना घर ले सके या फिर रेंट ले सके, तो उसके कारण उनको सिटीज के बाहर रहना पड़ता है। अब जो सिटी का पेरिफेरी है, देखो सिटी की जो पेरिफेरी है उसकी भी तो एक लिमिट है ना, सिटी की पेरिफेरी की भी एक लिमिट है, राइट। तो इस पेरिफेरी के अंदर मान लो बहुत ज्यादा अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, तो ऑब्वियसली क्या होगा, कम स्पेस के अंदर मतलब लेस स्पेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर रहेंगे, मोर एंड मोर पीपल विल लिव। तो वंस अगेन दिस इज अ कंडीशन जो कि एक्चुअली स्लम की कंडीशन है, बट घेटो टाइप सिचुएशन क्रिएट हो गई यहाँ पर। घेटो क्या है, कम स्पेस के अंदर ज्यादा लोगों का रहना, फोर्स होना एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का बाहर की पेरिफेरीज के अंदर रहना, सिटी के मेन पार्ट्स के अंदर ना रह पाना, राइट। तो इसे भी हम स्लम के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से हमने ऊपर बात की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, तो जो स्लम एरियाज है यहाँ पर वाटर सप्लाई नहीं होता है, यहाँ पर फूड सप्लाई नहीं होता है, यहाँ पे ऑब्वियसली यू नो ट्रांसपोर्ट सप्लाईज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है यहाँ पर, वेंटिलेशन नहीं है यहाँ पर, सैनिटेशन नहीं है, किसी भी तरीके की चीजें यहाँ पर, किसी भी तरीके की फैसिलिटीज नहीं है। उसके कारण भी काइंड ऑफ इन जितने भी स्लम ड्वेलर्स हैं, जितने भी स्लम के लोग हैं, इन सब का काइंड ऑफ काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये लोग अपने आप को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज नहीं कर पाते, अपने सोशल लाइफ को लोग इंक्रीज नहीं कर पाते, राइट। और अगर आप डेटा के फॉर्म में देखोगे, तो देखो एक डेटा आया था 2011 का जो सेंसस में, वो ये बोलता है कि मोर देन 17% जो अर्बन एरियाज में लोग रहते हैं, मतलब अर्बन एरियाज मतलब शहरों में जो लोग रहते हैं, उनमें से 17% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि एक्चुअली स्लम टाइप सिचुएशन में रहते हैं, या फिर सिंपल वर्ड्स में घेटोइजेशन से सफर कर रहे हैं, घेटोइजेशन से सफर कर रहे हैं। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली घेटोइजेशन जो है वो छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। अब देखो आई होप आप इस पर्टिकुलर चीज को समझ रहे हैं कि हम कौन सा अप्रोच यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर यूज कर रहे हैं। देखो इस चीज को समझो आप, यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन याद होगा तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि घेटोस जो है वो अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, रादर जो घेटोस है वो बाकी सारे प्रॉब्लम्स का एक प्रोडक्ट है, राइट। तो उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स को मेंशन किया था क्वेश्चन के अंदर, सो पहला पहला बोला था इनबैलेंस्ड अर्बन पॉलिसीज, यानी कि सिंपल वर्ड्स में अर्बनाइजेशन जो है अनप्लान्ड है। सेकंड बोलता था प्रॉपर्टी ओनरशिप, थर्ड बोलता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजंस, और बोलता है सोशियो मतलब अदर सोशियो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। तो देखिए हमने जब फैक्टर्स इसको फैक्टर को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, तो हमने इसी पर्टिकुलर ऑर्डर में इसको डिस्कस किया है, ठीक है। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। पहला देखो, सबसे पहला हमने क्या डिस्कस किया था, ये अर्बनाइजेशन जो अनप्लान्ड है। फिर सेकंड हमने बात की प्रॉपर्टी ओनरशिप के बारे में। थर्ड देखो, थर्ड हमने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजंस एंड अपकीप के बारे में। उसके बाद क्या था कीवर्ड क्वेश्चन का, इट वाज अदर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो अदर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमने जो पहला प्रॉब्लम डिस्कस किया दैट वाज घेटोइजेशन ऑफ स्लम्स, मतलब जो स्लम एरियाज है वहां पर भी काइंड ऑफ घेटोइजेशन का कंसेप्ट आ गया है। तो स्लम एरियाज का जो हमने कंसेप्ट लिया वो हमने अदर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के अंदर लिया, ठीक है। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं, हम यहाँ पर क्वेश्चन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं एज टू क्यों और किस तरीके से जो घेटोज है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर इमर्ज हो रहे हैं। द नेक्स्ट आप यू नो अदर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के अंदर आप ओवर क्राउडिंग की बात कर सकते हैं। ओवर क्राउडिंग का सीधा सा मतलब है कि मान लो कि एक पर्टिकुलर शहर है, ठीक है, और इस शहर के अंदर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ऐसी है जो कि मान लो शहर के कोर एरियाज में पहुंच भी जाती है, बट जस्ट सपोज कि देर आर फैमिली ऑफ 6 to 8 people, ठीक है, एंड दे हैव टू लिव इन अ सिंगल बेडरूम, सिंगल बेडरूम, ठीक, एक रूम के हाउस में। सो काइंड ऑफ ये आप क्या आप इसे घेटोइजेशन नहीं कहेंगे, राइट। इनडायरेक्ट सेंस में तो ये भी घेटोइजेशन है, बिकॉज यहां पर भी तो रिसोर्सेज का, लैंड रिसोर्सेज का, यू नो फूड रिसोर्सेज का, वाटर रिसोर्सेज का सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा होगा, राइट। बिकॉज एक ही पर्टिकुलर एक ही सिंगल बेडरूम के अंदर अगर इतने सारे लोगों को, इतने सारे फैमिली मेंबर के लोगों को रहना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है ये लोग भी, इनके पास प्रॉपर स्पेसेस नहीं है। और यही प्रॉब्लम तो स्लम्स के पास है कि इनके पास प्रॉपर स्पेसेस नहीं है, राइट। सो जो ओवर क्राउडिंग का प्रॉब्लम है वो भी एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ घेटोइजेशन है, ध्यान रखिएगा, ऑब्वियसली डायरेक्ट नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली दे आर लिविंग इन साइड द सिटी, बट ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ घेटोइजेशन है। और जहां पर रिपोर्ट्स ऐसे आई हैं दैट मोर 80 to 90% ऑफ द पीपल जो कि एक्चुअली मेजर सिटीज में रहते हैं, जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इन सब एरियाज में रहते हैं, उनमें से मोर देन 80 to 90% ऑफ द लोग जो है दे आर एक्चुअली सफरिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवरक्राउडिंग, दे आर यू नो सफरिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवरक्राउडिंग। सो घेटोइजेशन का जो प्रॉब्लम है, आपको मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं दैट घेटोइजेशन का जो प्रॉब्लम है दैट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू पेरिफेरीज, रादर कुछ जो अंदर के पार्ट्स हैं जो इकोनॉमिक प्रेशर के कारण मतलब इकोनॉमिक कंडीशन के कारण कुछ ऐसी फैमिली जो यू नो अच्छे घर या फिर यू नो बड़े घर अफोर्ड नहीं कर सकती, वो लोग सिटीज के अंदर भी काइंड ऑफ घेटोइजेशन का प्रॉब्लम फेस करते हैं, राइट। सो आई होप आप ये चीज समझ गए। इसके अलावा आप और क्या बोल सकते हैं, इसके अलावा आप वाटर कंडीशन, जो वाटर सप्लाई है वो नहीं होता लोगों के पास, ड्रेनेज का सप्लाई, ड्रेनेज का जो कंडीशन है, सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, ये सब ना होने के कारण भी काइंड ऑफ यू नो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जो देखो जितने भी सिटीज हैं, जैसे सपोज ये एक सिटी है,
तो सिटी का जितना भी, जैसे मान लो एक इंडस्ट्री यहाँ पर है सिटी के कोर एरिया के अंदर, तो इस इंडस्ट्री के जितने भी वेस्ट डिस्चार्ज होंगे कहाँ जाएंगे, वो बाहर की तरफ ही तो जाएंगे, है ना, सिटी के बाहर जाएंगे। तो अगर सिटी के बाहर जाएंगे तो सिटी के बाहर यहाँ पर एक्चुअली कौन रह रहे हैं, यहाँ पर पीपल रह रहे हैं, वहाँ पर लोग रह रहे हैं। तो ये लोग इन सारे के सारे जो गंदगी है, जो कि वेस्टेज है, जो सीवर वाटर है, सीवेज है, इन सबको भी काइंड ऑफ वो सफर करते हैं, बिकॉज इनके आसपास से जो बैड कंडीशन में जो नाले होते हैं, रिवर्स होते हैं जो ऑलरेडी ओवर पॉल्यूटेड हैं, वो सब यहाँ पर होते हैं, मतलब आउटसाइड द सिटी होते हैं। और इन सब के कारण, इन सब की जो लोग हैं जो कि घेटोज में रह रहे हैं, उनकी जो हेल्थ कंडीशन है उसके ऊपर भी डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है, राइट। सो आई होप आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से हम अलग अलग सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं एज टू हाउ गेटोइजेशन जो है सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल प्रेशर के कारण ही नहीं होता है, रदर बहुत सारे अलग अलग सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब के कारण भी होता है काइंड ऑफ, ठीक है। फिर आप पॉल्यूशन, जैसे हमने पॉल्यूशन की बात की, आप पॉल्यूशन का यहाँ पर एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जैसे जैसे पॉल्यूशन इंक्रीज होता है वैसे वैसे लोगों की हेल्थ, स्पेशली वो लोग जो कि सिटीज के आउटस्कर्ट्स पर रह रहे हैं, जो कि घेटोज में रह रहे हैं, जो कि स्लम एरियाज में रह रहे हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं कि जब घेटो टाइप सिचुएशन बनता है उसका मेन रीजन हमने देखा था सोशल टेंशन, जब हमने बात की थी कि अगर हिंदू का एक पूरा पूरा कम्युनिटी है वो अगर मुस्लिम कम्युनिटी को अपने साथ नहीं रहने दे रही है, तो काइंड ऑफ क्या हम कह सकते हैं कि एक सेग्रीगेशन का फीलिंग स्टार्ट हो जाती है हिंदू और मुस्लिम के बीच में, एक डिसयूनिटी का फैक्टर आता है कि वो लोग साथ में नहीं रह सकते हैं, राइट। यहाँ पर प्रॉब्लम्स इमर्ज होनी स्टार्ट हो जाती है, काइंड ऑफ कम्युनल टेंशन से यहाँ पर इमर्ज हो सकते हैं। सो ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो सकता है घेटोज का, जहाँ पर ग्रुप सॉलिडैरिटी नहीं है हमारे पास, राइट। इसके अलावा अगर आप देखिए तो अगर ये एक सिटी है, ठीक है, और सिटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो काफी ज्यादा डेवलप्ड है, जो बट बाहर रह रहे हैं वो डेवलप नहीं है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक ही सिटी के अंदर यहाँ पर रूरल और अर्बन एरिया का डिवाइड काइंड ऑफ क्रिएशन क्रिएट हो गया है? मतलब एक ही शहर है, मतलब शहर देखो सेम ही है, जैसे सपोज दिस इज शहर ए, इसी शहर के अंदर देर आर वन ग्रुप ऑफ पीपल जो काफी वेल ऑफ है, राइट, मतलब उनकी कंडीशन काफी अच्छी है, इकोनॉमिक कंडीशन, देन देर आर अदर ग्रुप ऑफ पीपल जो कि घेटोस टाइप सिचुएशन में रह रहे हैं, जो स्लम्स में रह रहे हैं, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। सो देखो एक ही सिटी के अंदर यहाँ पर रूरल एरियाज भी है और अर्बन एरियाज भी है, मतलब रूरल अर्बन डिवाइड का जो प्रॉब्लम है वो एक ही सिटी के अंदर आ जाएगा, राइट, ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। सो अगर देखो अगर यही सब प्रॉब्लम्स आती हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि नंबर 8 पॉइंट की क्राइम्स भी इंक्रीज हो सकते हैं यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के कारण, क्राइम्स इंक्रीज हो जाएंगे। ऑब्वियसली ये लोग जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं है वो चाहेंगे कि उनके पास रिसोर्सेस आए, सो दे विल ऑब्वियसली इन्फिल्ट्रेट द सिटीज, वो अंदर जाकर के इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग तरीके की क्राइम्स बढ़ेंगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लैंड स्पेस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेस, लैक ऑफ फूड वाटर, राइट, इन सब चीज़ों के कारण काइंड ऑफ क्राइम्स भी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। तो इन तरीके से आप अलग अलग चीज़ें बता सकते हैं कि आफ्टर ऑल कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं, अलग अलग फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसके थ्रू एक्चुअली जो घेटोज का प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हो गया है, राइट। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं। देखो हमने कहीं पर भी एक बार भी घेटोज को प्रॉब्लम नहीं बोला, हमने ये नहीं बोला कि दैट घेटोज इन देमसेल्स आर द प्रॉब्लम, बट घेटोज जिस चीज के कारण बने हैं, बहुत सारे फैक्टर्स के कारण जो घेटोज बने हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक हैं, उन सब फैक्टर्स को हमें ठीक करने की जरूरत है, ओनली देन विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ घेटोज, राइट। सो ये तो हो गया हमारा, जितने भी हमने घेटोज के बारे में अलग अलग चीजें बात की। अब देखिए इस आंसर के अंदर आपको यह भी बताना है कि आफ्टर ऑल गवर्नमेंट क्या कर रही है इस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है हमें यह भी चीजें समझानी है। सो देखिए आप बता सकते हैं कि घेटोस के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हाउसिंग का, मतलब लैंड का। तो लैंड का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हाउसिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काइंड ऑफ गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आवास योजना स्टार्ट किया है, आवास योजना, राइट। आवास योजना को सिंपल वर्ड्स में समझो तो वो बोलते हैं हाउसिंग फॉर ऑल ऑल बाय 2022, ठीक है, मतलब 2022 का एक डेडलाइन क्रिएट किया गया था। देखो ये पर्टिकुलर चीज पहले तो 2015 में स्टार्ट किया गया था और ये स्कीम, और बोला गया था कि 2022 तक हम ऑलमोस्ट एवरी सिंगल पर्सन को प्रॉपर एक हाउस प्रोवाइड करेंगे, राइट। देखिए ऑल्दो 100% हाउसेस प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, बट इवन 50% ऑफ जो लोग हैं अगर उनको भी हाउसेस मिल गए तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्क इज डन, राइट। तो कुछ लोगों को तो एटलीस्ट बेनिफिट मिला इस पर्टिकुलर चीज से, राइट, इस चीज को आपको समझना है। सेकंड आप ये समझ सकते हैं कि सेकंड प्रॉब्लम क्या थी उनकी सबसे बड़ी, सेकंड प्रॉब्लम थी कि उनके पास प्रॉपर फूड सप्लाई, राइट, उनके पास वाटर सप्लाई, उनके पास प्रॉपर स्पेसेस, लैंड, इन सब का प्रॉब्लम था। उसको सॉल्व करने के लिए एक अमृत स्कीम लॉन्च किया गया था। अमृत का मतलब होता है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि जितने भी अर्बन एरियाज हैं उनको ट्रांसफॉर्म करके एक बेटर काइंड ऑफ एक प्रोविजन की तरफ लेके जाना है, इसे कहते हैं अमृत स्कीम। तो अमृत स्कीम के थ्रू स्पेशली जो सिटीज के बाहर वाले जो लोग थे, पेरिफेरीज में जो लोग थे, उनको पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, प्रॉपर काइंड ऑफ सीवरेज, ठीक है, ग्रीन स्पेस का ग्रीन स्पेस जो है ताकि वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को कर सकें, अलग अलग तरीके के पार्क्स, राइट, ताकि वो अलग अलग एक्टिविटीज कर सके, ये सब उनको प्रोवाइड किया गया, राइट। सो अमृत स्कीम जो था वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था। थर्ड आप कह सकते हैं कि सिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 2015 के अंदर,
जिसके तहत ये बोला गया कि हर एक सिटी को इकोनॉमिकली हमें ग्रो कराना है, जो लोग उसके अंदर रह रहे हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना है। उसके लिए टोटल 100 सिटीज को चूज भी किया गया था, राइट, उनके ऊपर काम चल रहा है। तो स्मार्ट सिटी भी काफी इंपॉर्टेंट है जो कि लॉन्ग टर्म में घेटूस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसके अलावा जो सैनिटेशन का इशू है, इशू था, जो क्लीनलीनेस का इशू था, जो लोगों की हेल्थ के कंडीशन का इशू था, उसको सॉल्व करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन अर्बन लाया गया। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, राइट, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन आप जानते हैं 2014 में 2nd ऑफ अक्टूबर को लॉन्च किया गया था, और इसके तहत ये बोला गया था कि हम जल्दी से जल्दी 2019 से पहले हम अपने पूरे इंडिया को साफ करेंगे, राइट, सिटीज को क्लीन करेंगे। सिटीज को क्लीन करने के लिए जितना भी कचरा वाला पार्ट था, गार्बेज था, राइट, उसको क्लीन किया गया। जितना भी सीवरेज का इशू था उसको क्लीन किया गया, राइट। तो अलग अलग तरीके से स्वच्छ भारत मिशन ने भी काम किया यहाँ पर। इसके अलावा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम घेटोआइजेशन की आपको याद होगा, अहमदाबाद का जो हमने बात किया था कि उनके पास बस कनेक्टिविटी ना होने के कारण वो लोग मेन सिटीज तक नहीं पहुंच पाते हैं। सिटीज तक ना पहुंचने के पास ना पहुंचने के कारण उनके पास जॉब नहीं है, जॉब ना होने के कारण उनके पास कोई वेजेस नहीं है, राइट, सोर्स ऑफ वेजेस नहीं है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की जिसे हम कहते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, NULM, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च किया गया जिसके तहत ये बोला गया कि जितने भी लोग हैं उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, लोगों को स्किल्स सिखाए जाएंगे, साथ ही साथ जितने भी पुअर लोग हैं जिनके पास थोड़ी सी भी कैपेबिलिटी है उनको पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो फीचर्स है उसको इंक्रीज कर सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सके, राइट। तो आप समझ सकते हैं हमने अलग अलग तरीके से जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर गवर्नमेंट की स्कीम्स को बात की। हमने यहाँ पर ये बात की कि आफ्टरऑल जो भी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे थे घेटोआइजेशन का, उस घेटोआइजेशन को देखो, घेटोआइजेशन को खत्म करने के लिए हम जानते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। हमें हाउसिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हमें ये फूड वाटर लैंड का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हमें स्मार्ट सिटीज क्रिएट करनी है ताकि सिटीज की प्रॉब्लम सॉल्व हो, हमें सैनिटेशन का प्रॉब्लम, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, ये सब सॉल्व करना है। सो अगर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो कहीं ना कहीं जो घेटोआइजेशन का प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, राइट। इसलिए हमने ये सारी के सारी जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स थे इसके बारे में हमने डिस्कस किया। हमने समझने की कोशिश की कि आफ्टरऑल किस तरीके से गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर सकती है, राइट। देखो साथ ही साथ अपने आंसर को एंड करने से पहले आप यहां पर कुछ और सजेशंस दे सकते हैं कि आफ्टरऑल और क्या क्या गवर्नमेंट कर सकती है। तो देखो गवर्नमेंट और के देखो वे फॉरवर्ड में अगर हम बात करें, देखो अगर आप देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पिछले स्लाइड में जो हमने बात की, हमने ये बात की कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, ऑलरेडी कर रही है। अब हम बता रहे हैं कि और क्या क्या बेटर हो सकता है, और क्या क्या चीजें गवर्नमेंट कर सकती है। पहली चीज तो हम बता सकते हैं कि देखो सिटीज में क्या होता है, सिटीज में सबसे लोकल गवर्नमेंट कौन सी होती है, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज होती है ना। सो जो म्युनिसिपैलिटी है उसको हम और ज्यादा यू नो फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको और ज्यादा पावर प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको और ज्यादा फंक्शन दे सकते हैं। ये फंक्शंस वो हो सकते हैं जो स्पेशली स्लम एरियाज या फिर जो घेटोज के हैं उनके रिलेटेड उनको और पावर्स मिल सकती हैं, ताकि म्युनिसिपैलिटीज उनके डेवलपमेंट के लिए काम करें, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करें, ठीक है, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, जितना भी देखो वेस्ट का प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है, जितना भी हमारे गार्बेज का प्रॉब्लम आ रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए हम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का कंसेप्ट जो है वो इंडिया के अंदर और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या है, जितना भी वेस्ट है, जितना भी गार्बेज है, उसको हटाकर अगर हम एनर्जी की तरफ डाइवर्ट कर देंगे, मतलब उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा वेस्ट का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गया, सैनिटेशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, और जो हमारी एनर्जी क्राइसिस का प्रॉब्लम है, जो हमें फ्यूचर में एनर्जी चाहिए, हमारे पास एनर्जीज भी आ गई, राइट। सो हम यहाँ पर दोनों चीजों को एक साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। सो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी काफी इंपॉर्टेंट चीज हो सकता है। थर्ड चीज, हमें यहाँ पर सिटीज को इंक्लूसिव बनाने के लिए हमें और काम करना होगा। उसके लिए क्या है, जो सिटी के जो कोर एरियाज हैं और जो पेरिफेरी एरियाज हैं दोनों को साथ में मिलकर काम करना होगा। यहाँ पर हमें एक मास्टर एंड वर्कर की तरह नहीं, रदर ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन की तरह हमें यू नो ट्रीट करना होगा। ये भी ह्यूमन है, ये भी ह्यूमन है, राइट। दोनों को एक प्रॉपर कंडीशंस मिलनी चाहिए, बी इट सोशल कंडीशंस, वाटर फैसिलिटीज, रोड फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, एवरी सिंगल थिंग दोनों को इक्वल मिलनी चाहिए। ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है जो कि घेटोआइजेशन को फिनिश करेगा अगले आने वाले टाइम में। नेक्स्ट, आपको याद होगा हमने एक चीज जो बात की थी कि हमारे यहाँ पे जो अर्बनाइजेशन है वो काइंड ऑफ अनप्लान्ड है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है। इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम एक प्रॉपर रेगुलेशन लेके आ सकते हैं कि आफ्टर ऑल किस एरिया के अंदर कितने लोग रह सकते हैं, एक बिल्डिंग के अंदर किस तरीके के लोग रह सकते हैं, किस तरीके के लोग नहीं रह सकते हैं, किस तरीके से कौन डिसाइड करेगा कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, राइट। इन सब चीजों को रेगुलेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जैसा हमने बात की स्टार्टिंग में, जो म्युनिसिपैलिटीज है उनको फंडिंग थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, फंडिंग उनके पास ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली वो वल्नरेबल सेक्शन के लिए ज्यादा काम कर सकते हैं, राइट। तो ये सब चीजें वो काइंड ऑफ आप सजेशंस दे सकते हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से हम घेटोआइजेशन का प्रॉब्लम जो है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आप इस पर्टिकुलर चीज को समझ गए। अब देखो जब आप अपने आंसर को एंड करेंगे तो आप यहाँ पर काइंड ऑफ एक कंसेप्ट लेकर आ सकते हैं SDG 11 का। SDG 11 इसी के बारे में बात करता है कि जो स्लम डेवलपमेंट है उसको इंक्रीज करना है, जो लोग हैं उनको डेवलप करना है, जो रूरल एरियाज है रूरल एरियाज को अर्बन एरियाज के अंदर काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म करना है। सो आप बता सकते हैं कि इंडिया जो है SDG 11 को कंप्लीट करने के रास्ते पर है बिकॉज ऑफ बहुत सारे डिफरेंट इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए।
राइट। साथ ही साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये करने में कामयाब हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है, सो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंक्लूसिव सिटी बना सकते हैं, जिसके तहत हम रिच और पुअर का जो डिवाइड है उसको हम फिनिश कर सकते हैं, जो हमारा वर्कर्स एंड वर्किंग क्लास का जो काइंड ऑफ कंसेप्ट है उसको हम फिनिश कर सकते हैं, जो हमारा मास्टर एंड वर्कर क्लास का कंसेप्ट है हम उसको फिनिश कर सकते हैं, राइट। सो हमारी सोसाइटी के अंदर जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बने हुए हैं बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, वो सारी के सारे प्रॉब्लम्स को हम एक झटके में फिनिश कर सकते हैं अगर हम हेटरोस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो, राइट। तो आपने क्या किया यहाँ पर, इसके थ्रू आपने एक फ्यूचरिस्टिक यहाँ पर अपना एंडिंग दिया, अपने आंसर को आपने फ्यूचरिस्टिक सेंस में एंड किया, और फ्यूचरिस्टिक सेंस का जो एंडिंग होता है दैट इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड, बिकॉज आप जाते जाते भी एक सजेशन देकर जा रहे हैं, आप एक होप देकर जा रहे हैं कि आपका आंसर एक एक ऐसे ही सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है जो कि एक बेटर सोसाइटी हो सकती है, प्रेजेंट डे की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, राइट। सो इस तरीके से जो आपका आंसर होगा दैट वुड बी रियली रियली अप्रिशिएटेड बाय द इवैल्यूएटर। सो आई होप आप इस पर्टिकुलर चीज को समझ गए। दिस वॉज द क्वेश्चन, दिस वॉज द आंसर। इस पर्टिकुलर आंसर के अप्रोच को हमने डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप आपको रिमेंबर होगा कि दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वॉज एक्चुअली 10 मार्क। नाउ वंस अगेन मैंने आपको एक दो दिन पहले ये चीज बताई थी, बट प्लीज ध्यान रखिएगा कि जितनी चीजें हम आपको बता रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, मॉडल आंसर के अंदर, उसका बेसिक एम ये है कि आप अपने आंसर को एनरिच कर सकें, राइट। जरूरी नहीं है कि हर चीज लिखना है, बट जितनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको एग्जामिनेशन के अंदर याद आ रही हैं, आप उन सब सारी की सारी चीजों को लिखो, ठीक है। चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीखना है, जब आप चीजों को प्रायोरिटाइज करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको लिखना है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद आ रही हैं उन सब चीजों को मेंशन करना है, बट कोशिश करनी है कि आपको अपना आंसर हमेशा मल्टी डायमेंशनल बनाना है। कभी भी एक ऐसा नहीं करना है कि जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन ग्रेटुएशन के बारे में बात कर रहा है तो मैं सिर्फ और सिर्फ स्लम डेवलपमेंट के ऊपर ही पूरा 2 पेज लिख दूं, दैट वोंट बी दैट मच अप्रिशिएटेड। अगर आप स्लम डेवलपमेंट के ऊपर ही 2 पेज लिख दोगे तो आपने तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर को यहाँ पर वो किया ना, सिर्फ एक ही फैक्टर को एनालाइज किया, बट ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। हमारा क्वेश्चन है कि हमें अलग अलग फैक्टर्स को एनालाइज करना है। सो जितने ज्यादा डायमेंशन रहेंगे, जितने ज्यादा आप डायमेंशन कवर करोगे, आपका आंसर उतना ही बेटर बनेगा, ठीक है। सो कोशिश करना है कि मल्टीपल डायमेंशन रखो, उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़े छोटे छोटे रखो, राइट। मल्टीपल डायमेंशन यूज करना है, बट ऐसा नहीं करना है कि एक ही डायमेंशन लिखना है उसके अंदर फिर 20 लाइंस लिख दी, दैट वोंट बी दैट मच अप्रिशिएटेड, ठीक है। सो आई होप आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अप्रोच समझ गए, किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को लेके चलना था, कंटेंट क्या क्या चीजें हम ऐड कर सकते थे, वो सब चीजें आई होप आप समझ गए। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।